महाराष्ट्र से निकले सियासी फॉर्मूले से यूपी बिहार में हलचल तेज। विपक्षी एकता के लिए खतरे की घंटी है महाराष्ट्र का सियासी फॉर्मूला। क्या बिहार यूपी में भी खेला जाएगा तोता उड़ मैना उड़ का खेल? इस खेल का पहले ठाकरे फिर पवार हुए शिकार, आगे किसका नंबर? महत्वाकांक्षी नेताओं को बल मिलेगा महाराष्ट्र के सियासी मेगा शो से। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। महाराष्ट्र में एनसीपी में जो टूट हुई है उसका साइड इफेक्ट बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद बिहार में विपक्षी दलों का दावा है कि महाराष्ट्र की कहानी खासकर बिहार में भी दोहराई जा सकती है। देखा जाए तो सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत कई विपक्षी पार्टियों के दूसरे नेताओं ने दावा किया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र के सियासी फॉर्मूले को बहुत जल्द दोहराया जा सकता है। एक नाथ शिंदे वाला फॉर्मूला कई राजनीतिक दलों के महत्वाकांक्षी नेताओं को लुभा रहा है, खासकर जिन्हें लगता है कि पार्टी तो वही चला रहे हैं, सारा काम धाम तो वही संभाल रहे हैं और नाम हो रहा है आला कमान का। इस क्रम में दिक्कत उन्हें हो रही है जिन्हें लगता है कि पार्टी उनकी पपौती है, पार्टी में लोग उनके सेवक हैं, वे परसों बोई हुई फसल को काटेंगे और खाएंगे। लेकिन राजनीति तो वही होती है जहां कोई नीति स्थायी नहीं होती। आलाकमान को जब लगने लगे कि वो जो बोलेगा वही शासन होगा तो आज के दौर में ये उसकी भूल है। यहां तो भतीजा भी चाचा से ये उम्मीद रखता है कि आलाकमान अपने पुत्र या पुत्री को दरकिनार कर राजपाट की कमान उसे ही दे। ऐसा वही होता है जहां परिवारवाद होता है। पहले शिवसेना और अभी हाल में एनसीपी में वही देखने को मिला। बाला साहब ठाकरे बनाम राज ठाकरे, अजीत पवार बनाम शरद पवार, यहां भतीजों ने ही बगावत कर दी, लेकिन दोनों ने अपने पुत्र या पुत्री को ही पार्टी की कमान सौंपी। फिलहाल शिंदे फॉर्मूला से शिवसेना के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई है, या यूं कहें कि एनसीपी पर कब्जा हो गया है। सत्ता की लालच में पार्टी के मुखिया शरद पवार से उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी है। अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। एक नाथ शिंदे का फॉर्मूला अजीत पवार को लुभा गया। यही फॉर्मूला अब विपक्ष के लिए 2024 में खतरनाक साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में हुए इस सियासी उठापटक के बाद यूपी बिहार समेत कई राज्यों में हलचल तेज हो गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही यूपी और बिहार में कई विपक्षी दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगना तय है। कैसे महाराष्ट्र फॉर्मूला बिगाड़ सकता है बिहार यूपी में विपक्षी एकता का खेल, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। भतीजे ने चाचा पवार को पद से हटाने का किया दावा। चाचा ने कहा, खोटा सिक्का निकला अजीत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुटों ने बुधवार को शक्ति प्रदर्शन किया। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और शरद पवार की ओर से विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया। हालांकि बैठक की बात करें तो इसमें राकांपा का संख्या बल अजीत पवार के साथ दिखा है। पार्टी के 53 में से 35 विधायक उनके साथ बैठक के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में शरद पवार के लिए आने वाले समय में राकांपा के अस्तित्व को अपने नेतृत्व में रखने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। देखा जाए तो अजीत पवार और शरद पवार के बीच की लड़ाई अब और ज्यादा बढ़ गई है। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजीत पवार खुद ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अजीत पवार ने दावा किया है कि 30 जून को कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने यह बैठक बुलाई थी। वहीं शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार पर बरसते हुए कहा कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह हमारे साथ है, इसे नहीं जाने दूंगा। लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं जो हमें सत्ता तक लेकर आए। मेरी तस्वीर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अजीत पवार, खोटा सिक्का निकला। महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल के बाद जिस राज्य में इस तरह की टूट की बातें सबसे ज्यादा हो रही है वो है बिहार। सोमवार को ही लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने दावा किया कि जल्द ही महागठबंधन की सरकार टूट सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायक और सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि उन्हें उनकी पार्टी टूटने का डर है।
वहीं भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी कुछ इस तरह की बात कही। फिलहाल महाराष्ट्र के बाद लोगों को लग रहा है कि बिहार में कहीं विधायकों का हाल तोता उड़ मैना उड़ जैसा ना हो जाए। बीते दिनों ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अचानक बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संतोष सुमन अपनी पार्टी हम के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। पूरे बिहार की बात करें तो अभी एनडीए के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारसवाला गुट और जीतन राम मांझी की पार्टी हम है। इसके अलावा आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की लोजपा आर और विकासशील इंसान पार्टी का साथ भी एनडीए को मिल सकता है। 2014 में भी कुशवाहा मांझी और लोजपा एनडीए के साथ थे। तब लोजपा ने 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 3 और भाजपा ने 22 सीट जीती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही बंटवारा हो सकता है। इसमें हम के मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि एनसीपी में टूट को लेकर नीतीश कुमार को भी जदयू टूटने का डर सता रहा है। चिराग पासवान ने दावा किया कि नीतीश कुमार के कई विधायक और सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जदयू के कई नेता तो मेरे संपर्क में भी हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि देश में जिस तरह विपक्षी एकता की कोशिश चल रही थी उसमें महाराष्ट्र की घटना स्वाभाविक है। उन्होंने बिहार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर समाप्त हो गए हैं। उनके विधायक भी ये जान रहे हैं कि यही स्थिति रही तो आगे चुनाव में जीत मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि उनके विधायक ठिकाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के भाजपा में आने का प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। वहीं सुशील कुमार मोदी का कहना है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है। जल्द ही जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में भी भगदड़ मचने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नजदीकियां एक बार फिर से भाजपा के साथ बढ़ती दिख रही हैं। अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद राजभर ने दावा किया कि सपा में भी ऐसी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि सपा के विधायकों को पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। जल्द ही कई विधायक पार्टी से अलग होकर सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पक्ष में यूपी में सपा को मजबूत बनाने वाले जयंत चौधरी के भी एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जयंत 23 जून को पटना में हुई विपक्षी बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जयंत की पार्टी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में जयंत अपनी पार्टी के भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूपी में एनडीए गठबंधन में पहले से ही अपना दल एस और निषाद पार्टी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी का भी साथ मिल सकता है। बसपा पर भी बीते कुछ वर्षों से अंदरखाने भाजपा से समझौते के आरोप लगते रहे हैं। अखिलेश की पार्टी अक्सर बसपा को भाजपा की बी टीम बताती रही है। हालांकि बसपा भी यही आरोप सपा पर लगाती है। खैर देखा जाए तो महाराष्ट्र में हुए सियासी खेल में विपक्षी एकता को करारा झटका लगा है। बैठक की तारीख भी बार बार बदल रही है। बिहार में 23 जून को हुई विपक्षी बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि 11 या 12 जुलाई को शिमला में अगली बैठक होगी। इसके बाद कहा गया कि ये बैठक शिमला की जगह जयपुर में हो सकती है। हालांकि बाद में 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होने की जानकारी दी गई। अब महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद ये तारीख टाल दी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब ये बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। वैसे राजनीतिक जानकार कहते हैं कि विपक्षी एकता में इस फूट का दोहरा असर पड़ सकता है। पहला ये कि महाराष्ट्र जैसी ही तोड़फोड़ की बातें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की विपक्षी पार्टियों में देखने को मिल सकती हैं। अगर ऐसा ही मॉडल महाराष्ट्र के बाद बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लागू होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही एक ही पार्टी के 2-2 गुट चुनावी मैदान में होंगे। इससे वोटों का बिखराव होगा जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है। दूसरा असर ये होगा कि टूट के बाद देश की अन्य विपक्षी पार्टियां सतर्क हो गई हैं। ऐसे में जो दल अब तक विपक्षी गठबंधन में शामिल होने से हिचक रहे थे वे भी अब एक मंच पर आ सकते हैं। अब ये विपक्षी दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।